सो सत श्रीकाल जी सारे गाइस ते वेलकम बैक टू सार्कास्टिक ड्यूड्स ते उम्मीद करता कि तुसी सारे ही वधिया होंगे गाइस ते अज एक नवी वीडियो दे नाल मैं दोबारा हाजिर हो गया ते यह वीडियो गाइस रहेगी जी फॉकलिफ्ट लाइसेंस दे बारे। काफ़ी ज़्यादा जिहड़े मेरे फ्रेंड्स जिहड़े नवे आए हुए ने उन्होंने मैनू डीएम किया इंस्टाग्राम से कि भाई किदां बनाया जा सकता है, किदां की प्रोसीजर हुंदा, किन्नी कॉस्ट हुंदी है। सो अज इस वीडियो आप सारा कुछ कवर करांगे ते आप भी देखांगे कि केड़ी केड़ी ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते इस जॉब नूं पाउण दे लई, ठीक है, कि एक्सपीरियंस सानू चाहिए या नहीं चाहिए या इहदी पे रेट की हुंदी है। सो वन बाय वन एज यूजुअल आप सारिया चीज़ों के उत्ते जिहड़ी हैगी नज़र पावांगे ते सब तो पहला थानू एक काम करना पैणा गाइस, जिन्हां ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया मेक श्योर कि तुसीं जिहड़ा हैगा सबसक्राइब करियो, वीडियो नूं लाइक करियो ते अपने फ्रेंड्स दे नाल शेयर करनी ना भुल्लियो तां जो कि उहनां दी भी हैल्प हो सके, ठीक है जी। लेट्स गो स्टार्ट गाइस। सो ऑलराइट गाइस आप शुरुआत करते हैं जी, सब तो पहला देखते हैं कि फॉकलिफ्ट का एक्चुअल काम की होंगे। सो फॉकलिफ्ट आप मेनली यूज़ करते हैं किसी हैवी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो फॉकलिफ्ट जी होंगी है पांच छह तरह की होंगी है। सो आप अज इस वीडियो के तीन तरह की जी फॉकलिफ्ट उन्होंने बेसिकली गल करेंगे जी कि सब तो ज़्यादा काम के आदि ने। सब तो पहला गाइस हैगी है काउंटर बैलेंस, ठीक है। दूजे नंबर पर हैगी है गाइस वॉकी, तो तीजे नंबर पर हैगी है रिम एंड रिज। इन्हों से सारे की फोटो तुम उपर देख रहे हो, ठीक है। तो यह जड़िया तीन होंगे यही बेसिकली सब तो ज़्यादा यूज़ की जाए ने बाकी नालों, ठीक है। तो उस अलावा हम आप गल करते कि जो सर्टिफिकेशन लैन के लिए जो सूँ पेपर देना पैदा वो हों की एक्चुअल कोर्स के मिलता सूँ दो तरह की कई चीज़ा होंगे। सब तो पहला उन्होंने एक थ्योरी तुम्हें पढ़ानी होंगी, थ्योरी के सेफ्टी मेजर्स या उन्होंने बैटरी किमें चेंज की जाती है, यूज़ किदा की जाती है, थोड़ा बहुत साइंस के बारे दसनगे, ठीक है। दूजे नंबर पर गाइस उस तो बाद होंगे प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के थोड़े को सब तो पहला तो थानू प्रैक्टिकली दसनगे कि यूज़ किदा करनी, उस तो बाद थोड़ा टेस्ट होंगे, ठीक है। तो जो थोड़ा थ्योरी खत्म हो जाती तो एम सी क्यू देंगे जो कि छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन वगैरह जोड़े भी है वो देखना कि तुम समझे उन्होंने कि नहीं, वो भी डिपेंड करता किसी किसी जगह पर नहीं होंगे कि जगह पर टेस्ट होंगे। बाद प्रैक्टिकल का भी सेम वे पहले तो दसनगे, बाद टेस्ट लिया जाता, ठीक है। जे आप टाइम की गल करिए कि टाइम कि लगता गाइस, टाइम जो है चार तो पाँच घंटे ऑन एन एवरेज मन के चलते हैं, चार तो पाँच घंटे के जो सर्टिफिकेट है वो थोड़ा प्रोवाइड कर दिया जाता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता जिदा कि सिक्योरिटी के लग्या सेगा, ठीक है। तो उस तो इलावा जो गाइस आप गल करिए कि डॉक्यूमेंट्स सानू कि चाहिए होंगे ने ये तो डॉक्यूमेंट्स गाइस कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा एक पासपोर्ट अपना लैके जाना पैंता तो दूजे नंबर पर थोड़ा फॉर्म देंगे ने जो कि उ फिल करके उन्होंने राइट अवे देना होंगे, ठीक है। दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस इलावा कुछ नहीं चाहिए। तो उस अलावा जो आप फीस की गल करिए गाइस तो फीस जी है हर एक डिफरेंट सेंटर का डिफरेंट फीस प्रोसीजर है फीस का, है ना। ऑन एन एवरेज की गल करिए जो आप तीनों की सर्टिफिकेशन लें तो सूँ ते अराउंड $300 के जोड़े है तीनों सर्टिफिकेट जोड़े है मिल जाते हैं, तीन सर्टिफिकेट का मतलब तीनों जी मशीन के सर्टिफिकेट जोड़े है सूँ वो दे देंगे, ठीक है। तो उस अलावा गाइस थानू मैं एक कह सकते हैं कि जिदा टिप देना चाहवागा कि हूँ जिदा होंगे एक्चुअल जिते चीज़ यह हैगी है कि विदाउट एक्सपीरियंस थानू कोई काम नहीं देन लगा फॉकलिफ्ट का। सो मेक श्योर करियो कि जिन्हों को भी तुसी लाइसेंस बनवा रहे हो उन्होंने कह दियो कि मैनू एक्सपीरियंस भी ये ऐड कर दियो तां जो तुहानू काम मिलन दे विच आसानी हो जाए, अदरवाइज जिहड़े नवे आए होंगे उन्होंने काम नहीं मिलता, नहीं मिलता इफेक्ट है, ठीक है। सो मेक श्योर कर लो कि तुसी उन्होंने एक बार दस दियो कि मैं काम जिहड़ा हैगा मेरे लाइसेंस दे विच एक्सपीरियंस ऐड कर दियो, डेफिनेटली ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हूँ अपना दूजे नंबर पर गल आती कि पे रेट कितना होंगे गाइस, यदि पे रेट बहुत वधिया होंगी यदि जे आप सिंह काम कर रहे हैं तो 23-22 तो शुरू हो जाती, 22 तो $27 के जाती, बाकी जो तुम ओवर टाइम करोगे वो तुम्हें पता ही 1.5 जो है वो ऐड हो जाता, ठीक है। बाकी कैश से भी कम मिलता, मैं वो बिल्कुल प्रैफर नहीं करता बट तुम दस रहा रियलिटी जो इतने हैगी है। सो वह भी 17 तो शुरू हो जाता बेसिक, ठीक है, $17 तो शुरू होंगे कैश से। सो देख सकते हो तुम कि ज़्यादा मतलब बाकी जो एवरेज की गल करिए 14-15 मिलती होंगी, है ना, तो इतने 17 तो ही शुरू होंगी है। तो हूँ तो गलबात करते कि जे आप लाइसेंस बनवा लिया तो हम जॉब कितना लेनी, जॉब लैन के लिए गाइस तीन तरह की चीज़ा हो सकती हैं। सब तो पहला तो तुम जो लाइसेंस बनवा रहे हो तुम उन्होंने कह सकते हो कि मैं काम भी चाहिए, तो वो थोड़ू अपने रैफरेंस के नाल या अपनी रैफरेंस जोड़े भी उन्होंने नोन के जी एजेंसीज है जोड़े भी कंपनियां जोड़े उन्होंने जानती पेरा उस हो गई फैक्ट्रीज हो गया तो वह ना कॉन्टैक्ट करवा के थोड़ा कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे अपने को साडा रेज्यूमे रख लेंगे, ठीक है। दूजे नंबर उत्ते गाइस की हो सकता कि तुम एजेंसीज नू आप कॉल करो, एजेंसीज के नाल टाई अप करो, उन्होंने दसो कि मेरे को फॉकलिफ्ट का लाइसेंस हैगा तो मैं काम लभ रहा, काफ़ी कंपनी जी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन के भी पा दूंगा तो तुम उन्होंने गो थ्रू जा सकते हो, नहीं तो लभदी है कि तुम गूगल मैप से जाओ उसे सर्च कर लो फॉकलिफ्ट लाइसेंस की जी भी एजेंसीज है सारियाँ थोड़ा लभ जानी है, तुम उन्होंने अप्लाई कर सकते हो।
ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾਲੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਕ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਕਲਿਫਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰੋਪ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲਓ ਇਨ ਸਪੋਜ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੋਬ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 to 5 ਹੀ ਫੋਕਲਿਫਟ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਹੋਣੇ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਕੀ ਦਾ, ਕਾਊਂਟਰ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਵਾਇਓ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਮੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਈਸ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਸਟ ਹੈ ਗਾਈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪੇਰੇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ। ਸੋ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਸਟਰਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬਟ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਗਾਈਸ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਲਿਫਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਦੇਅਰ। ਮੇਕ ਅ ਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਾਈਸ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ DM ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ DM ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ID ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਸ। ਅਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਗਾਈਸ, ਅਤੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।